जमाने में भाकरचंद चुलबुल पांडे, हम उन्हीं को ठोकते हैं जो के जरूरत से ज्यादा भोगते हैं। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 और सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसमें दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि सलमान खान की फिल्म ने अपने 12 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर ली है और सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म ने अपने 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचा दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते और करते हैं कंपैरिजन कि आज का बॉक्स ऑफिस किंग कौन बना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दबंग 3 जो कि दबंग फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, इससे पहले की ही दोस्तों दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर दबंग 3 के बारे में, तो दोस्तों दबंग 3 को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने, जो कि इससे पहले वॉन्टेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म सलमान भाईजान के साथ बना चुके थे। और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन धमाकेदार ओपनिंग लगी और इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए 24 करोड़ 50 लाख रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म में आपको धमाकेदार एक्शन और कॉमेडी देखने को मिली है, इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले। अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट वीक के टोटल डिवाइस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले दिन तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2019 में नॉन हॉलीडे का रिकॉर्ड बना दिया था। वहीं सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन रहे 24 करोड़ 75 लाख रुपए के। और अपने तीसरे दिन तो दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई और कमाए 31 करोड़ 90 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जो कि एक दिन में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले 18 रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान के इस फिल्म का जो 3 दिनों का वीकेंड कलेक्शन था वो हो चुका था 81 करोड़ 15 लाख रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि इस तरह से इस फिल्म ने 2019 की कई बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया था और बॉक्स ऑफिस पर हिट ट्रेंड कर रही थी। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग इस फिल्म के फोर्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिविटी की गई, साथ ही में दोस्तों इंडिया में प्रोटेस्ट के कारण भी इस फिल्म का काफी विरोध हुआ। उसके बावजूद भी सुपरस्टार सलमान खान के स्टारडम की वजह से इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए 10 करोड़ 70 लाख रुपए। पांचवें दिन दोस्तों इस फिल्म ने एक बार फिर से ग्रोथ दिखाई और कमाए लगभग 12 करोड़ रुपए। छठे दिन दोस्तों क्रिसमस होने की वजह से इस फिल्म ने कमाए 15 करोड़ 70 लाख रुपए और अपने सातवें दिन इस फिल्म ने लगभग 7 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ इस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था 126 करोड़ 55 लाख रुपए का, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी से कमाए 122 करोड़ रुपए, कन्नाड़ा से कमाए लगभग 2.5 करोड़ रुपए, तमिल और तेलुगु से इस फिल्म ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने फर्स्ट वीक में तो अपना बजट रिकवर कर चुकी थी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के सेकंड वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि सेकंड वीक में अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के रिलीज होने की वजह से इस फिल्म की स्क्रीन्स काफी कम कर दी गई। उसके बावजूद सलमान खान की इस फिल्म ने अपने 8वें दिन यानी कि अपने बर्थडे वाले दिन लगभग 3.5 करोड़ रुपए कमाए। अपने 9वें दिन दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो रहे लगभग 3.25 करोड़ रुपए के। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों एक बार फिर से इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने अपने 10वें दिन लगभग 4.50 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म का जो 10 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था लगभग 137 करोड़ 80 लाख रुपए का। दोस्तों इस फिल्म के जो सेकंड वीक डेज के कलेक्शन रहे वो भी काफी शानदार रहे हैं और इस फिल्म ने अपने 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड किया और कमाए लगभग 2.10 करोड़ रुपए। और आज अपने 12वें दिन भी दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड किए हुए है। 31st की छुट्टी होने की वजह से दोस्तों आज के इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें एक बार फिर से ग्रोथ देखी जा रही है और आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ की शानदार कमाई कर रही है। इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है
वो हो चुका होगा लगभग 144 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें हम लोग इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ओवरसीज मार्केट में ये फिल्म 50 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर चुकी है और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है 216 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म बन चुकी है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग रिकॉर्ड्स के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म 2019 में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली 17वीं फिल्म बन चुकी है। सुपरस्टार सलमान खान के लिए ये फिल्म 100 करोड़ में 15वीं फिल्म बन चुकी है। सोनाक्षी सिन्हा की 6ठी फिल्म बन चुकी है और कन्नाड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप के कैरियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने और भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि दोस्तों ये फिल्म 2019 की 12th हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में इस फिल्म ने सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30, सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म केसरी और कई सारी बड़ी फिल्मों को भी पीछे कर दिया है। अब यहां पर बात कर लिया दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म गुड न्यूज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड न्यूज जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सुपरस्टार अक्षय कुमार सर नजर आए हैं। उनका साथ दिया है इस फिल्म में ब्यूटीफुल करीना कपूर, ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी और काफी टैलेंटेड दिलजीत दोसांझ ने। राज मेहता के डायरेक्शन में बनी दोस्तों ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है, जिसे कि प्रोड्यूस किया है करण जौहर और शशांक खेतान ने। बात की जाए यहां पर इस फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अक्षय कुमार सर की इस फिल्म का इंतजार काफी दिनों से हो रहा था। सुपरस्टार अक्षय कुमार की ये फिल्म 2019 की 4थी फिल्म थी और दोस्तों इससे पहले कि उनकी तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, इसीलिए दोस्तों इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अर्बन क्लास कॉमेडी फिल्म होने के बाद भी 17 करोड़ 56 लाख रुपए की धमाकेदार कमाई की। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी हेरफेर चल रहा है, क्योंकि इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो फुटफॉल्स के हिसाब से तो लगभग 18.5 करोड़ रुपए होता है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 17 करोड़ 56 लाख रुपए दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी ये फिल्म 2019 की टॉप 11 ओपनर्स में शामिल हो चुकी थी। सेकंड डे में दोस्तों इस फिल्म ने काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और कमाए 21 करोड़ 78 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अपने थर्ड डे में इस फिल्म ने 26 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती तीन दिनों में लगभग 66 करोड़ की कमाई करके अक्षय कुमार सर के कैरियर की सेकंड बिगेस्ट वीकेंड हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी थी। अब यहां पर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के फोर्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि फोर्थ डे यानी कि वर्किंग डे, और वर्किंग डे में कलेक्शन करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर अक्षय कुमार की इस फिल्म को मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज के कारण इस फिल्म का जो चौथे दिन का कलेक्शन है वो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है लगभग 14 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के हम लोग टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों नेट प्रोड्यूसर्स के हिसाब से इस फिल्म का जो चार दिनों का कलेक्शन है वो हो चुका होगा 78 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों ट्रेड फिगर्स के हिसाब से इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 83 करोड़ रुपए का। और सुपरस्टार अक्षय कुमार के लिए 2019 की लगातार चौथी हिट फिल्म बन चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में खूब पसंद किया जा रहा है, जहां से दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती चार ही दिनों में लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और कई सारी बड़ी फिल्में जैसे कि वॉर, गली बॉय, भारत और दबंग 3 को भी पीछे कर दिया है। बात की जाए इस फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज 31st की छुट्टी होने की वजह से एक बार फिर से इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आज भी दोस्तों इस फिल्म के दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई और चंडीगढ़ जैसे सिटीज में लगभग 1000 से ज्यादा शो फास्ट फिलिंग मोड पर चल रहे हैं। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने पांचवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की शानदार कमाई करने वाली है। और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होगा वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 93 करोड़ का हो चुका होगा। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 144 करोड़ के आंकड़े को आज पार कर चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से तो यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी और अक्षय कुमार के लिए लगातार तीसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों का जो बॉक्स
ऑफिस कलेक्शन है उसमें आज तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 3,100 स्क्रीन्स मिली है, वहीं दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5,400 स्क्रीन्स मिली थी। इस तरह से दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो तो काफी शानदार रहे हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम लोग पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन की तो दोस्तों आज सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म ने एक बार फिर से सलमान खान की फिल्म को पीछे कर दिया है। आपके हिसाब से दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी है, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।